सोल्जर 2 के सीक्वल में किसे लेना चाहते हैं? इस बार सोल्जर 2 किस हॉलीवुड मूवी का रिमेक होगी? सोल्जर 2 का बजट कितना रखा जा रहा है और ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। सोल्जर 1998 में बनी हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें राखी गुलजार, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ने अहम किरदार निभाया है। इसे 1998 में रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा सुपरहिट फिल्म घोषित किया गया था। ये भारत में साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सोल्जर प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी। मणिरत्नम की दिल से सोल्जर से पहले रिलीज हो गई और इस प्रकार प्रीति के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। एक दिन कुछ तस्कर मिलकर मेजर विजय पंकज धीर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वो तस्कर और कोई नहीं बल्कि सेना में काम करने वाले प्रताप सिंह, सुरेश ओबेरॉय, वीरेंद्र सिन्हा, दलीप ताहिल और जसवंत दलाल सलीम घोष होते हैं, जो हथियारों और गोला बारूद की वीरेंद्र सिन्हा के भाई बलदेव सिन्हा शरद सक्सेना की मदद से तस्करी करते हैं। बाद में पुलिस को पता चलता है कि मेजर विजय को मारने वाला और तस्कर गिरोह का सरगना डीके है। 20 साल बाद मुंबई पुलिस को ऑस्ट्रेलिया के इंटरपोल ब्रांच से एक फैक्स आता है कि वो एक तस्कर जसवंत दलाल की तलाश कर रही है जो भारत आ चुका है। उसे जीवित पकड़ने का काम एसीपी दिनेश कपूर यानी कि आशीष विद्यार्थी को दिया जाता है, जो मरने वाले मेजर विजय मल्होत्रा का पुराना दोस्त रहता है। दिनेश उस फैक्स की कॉपी को मेजर विक्की यानी कि बॉबी देओल को भेजता है और जसवंत को पकड़ कर लाने को बोलता है। विक्की उसे पकड़ लेता है और दिनेश के हवाले कर अपने अगले गुप्त मिशन को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वीरेंद्र, बलदेव और प्रताप अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं मिशन पूरा करते हुए विक्की की मुलाकात प्रताप सिंह की बेटी प्रीति जिंटा से होती है। वो प्रीति को पटाने में लग जाता है, जिसकी बलदेव सिन्हा के बेटे जोजो से मंगनी हुई रहती है। प्रीति के जरिए वो प्रताप सिंह से मिलता है और उसे सपने दिखाता है कि वो उसे और भी शक्तिशाली बना देगा, जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था। वहीं विक्की से जोजो जलने लगता है कि वो उसकी मंगेतर को अपना बना लिया। वो उसके अपार्टमेंट में आकर तोड़फोड़ करता है। जब ये बात विक्की को पता चलती है तो वो जोजो के पिता के घर आकर तोड़फोड़ करता है और उसके कई लोगों को मार भी देता है। बलदेव ये बात अपने भाई वीरेंद्र को बताता है, जो विक्की को मारने का आदेश देता है। जब विक्की अपनी माँ से हवाई अड्डे पे मिलने जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र की पूर्व पत्नी शांति यानी कि फरीदा जलाल है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वीरेंद्र का बेटा है तो उसे मारना छोड़कर उसे भी गैंग का हिस्सा बना लिया जाता है। कुछ महीने बाद विक्की को वीरेंद्र उस जगह ले जाता है जहां उसने प्रताप, जसवंत और डीके की गुप्त जानकारी फाइलों में कैद कर रखी होती है। सारी जानकारी मिलने के बाद वो उसे मार देता है और इसका आरोप प्रताप पर लगा देता है। और बलदेव ये बात जानकर प्रताप को मारने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। वो प्रताप को बताता है कि वीरेंद्र उसका बेटा नहीं है बल्कि डीके के आदेश पर वीरेंद्र प्रताप और जसवंत को मारने आया था। वो प्रताप से कहता है कि उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बनने के लिए दोनों को भारत में जाकर डीके को मारना पड़ेगा। प्रताप उसकी बात मान लेता है पर यह बात प्रीति सुन लेती है और शांति को सारी बात बता देती है। शांति उससे कहती है कि वो जानती है कि विक्की उसका बेटा नहीं है। वो उसे बताती है कि विक्की असल में मेजर विजय मल्होत्रा का बेटा राजू है, जिसके सारे मेडल छीन लिए गए थे। वो बस अपने पिता का सम्मान वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानकर प्रीति भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। राजू फोन पर दिनेश को बताता है कि वो प्रताप को भारत ला रहा है और डीके की सही पहचान भी उसे हो गई। वो राजू की मदद के लिए जसवंत को रिहा कर देता है। राजू उन दोनों के सारे गुंडों को पुलिस की मदद से मार देता है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। उन दोनों की गवाही से मेजर विजय मल्होत्रा के सारे दाग हट जाते हैं। राजू, उसकी माँ और प्रीति इंसाफ मिलने से खुश हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने और इस फिल्म के एक्टर बॉबी देओल ने अब्बास मस्तान से मिलकर इसका सीक्वल बनाने की साजिश बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बॉबी देओल का करियर डूबा हुआ है और वो चाहते हैं कि अगर सोल्जर 2 दोबारा से बनी तो हो सकता है उनका फिल्मी करियर दोबारा से पटरी पर आ जाए। इसके लिए अब्बास मस्तान एक हॉलीवुड फिल्म का एडेप्टेशन ले रहे हैं, लेकिन वो फिल्म कौन सी होगी इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। और अगर ये फिल्म बनती है
तो इसे हॉलीवुड की फिल्मों की तरह बनाया जाएगा और इस फिल्म का बजट 100 करोड़ से ऊपर रखा जाएगा। और इसमें बॉबी देओल के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेसेस होंगे और बाकी की स्टार कास्ट कौन सी होगी, इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सोल्जर का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।